गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 27 करते हैं। चैप्टर 27 दैट इज पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन हम पढ़ते हैं। पंक्चुएशन मतलब क्या बच्चों? कि कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, एपोस्ट्रॉफी एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे पंक्चुएशन कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वी यूज कैपिटल लेटर्स टू बिगिन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के शुरुआत में हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर प्रॉपर नाउन्स, फॉर द वर्ड आई बाय इटसेल्फ एंड टू बिगिन डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट्स। हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रॉपर नाउन्स, फॉर बिगिनिंग इन द सेंटेंसेस, सेंटेंस की शुरुआत में, प्रॉपर नाउन्स के लिए, वर्ड आई के लिए, और कहीं आपको डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट देना हो उसके लिए। द टीचर सेड यू एंड आई विल ट्राई दिस क्विज। रमन, टीचर ने कहा, देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट कहाँ गया है, टीचर ने डायरेक्टली रमन से कहा। कैपिटल लेटर फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू एंड आई, वाई एंड आई ऑल्सो कैपिटल लेटर, एंड फॉर द प्रॉपर नाउन रमन ऑल्सो कैपिटल लेटर। सेकेंड पॉइंट, वी यूज अ कॉमा। कॉमा का हम इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट वर्ड्स, वर्ड्स को अलग करने के लिए। इन अ लिस्ट, एक साथ अगर लिस्ट दिया जाता है तो उस लिस्ट में से हम कॉमा को डाल के वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। टू सेपरेट नेम्स, बहुत सारे नेम्स दिए जाते हैं लिस्ट में तो हम नेम्स को सेपरेट के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम सेंटेंसेस, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि यहाँ देखिए, ग्रैंडमा सेड लिली, देखिए ग्रैंडमा सेड, अभी ये डायरेक्ट स्पीच है डायरेक्ट, तो ये बाकी के सेंटेंस को अलग करने के लिए ग्रैंडमा सेड के बाद हमने कॉमा लगाया। लिली कॉमा ब्रिंग मी अ नीडल कॉमा सम थ्रेड कॉमा अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ। तो ग्रैंडमा ने लिली से कहा कि मुझे नीडल दो, धागा दो, सीजर दो और वाइट क्लॉथ का टुकड़ा दो। तो इन सब के बीच में हमें कॉमा लगाया, क्यों? ताकि हर एक चीज़ को हम अलग से बता सके। लेट्स स्टिच अ हैंकरचीफ शेल वी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग आ गया शेल वी, तो बाकी के सेंटेंस से इसको अलग करने के लिए हमने यहाँ कॉमा लगाया। फिर थर्ड पॉइंट, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एसर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस एसर्टिव या इम्परेटिव हो उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। वी आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप, गिव मी दैट पिक्चर फुल स्टॉप, एसर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट, वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो आप क्वेश्चंस पूछते हो उसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। वेयर आर यू गोइंग, ये आपने क्वेश्चन पूछा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, ये क्वेश्चन हमने पूछा और पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। सेंटेंस की जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, तब जाके आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट, वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इंटरजेक्शंस और एट द
एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगानी कंपलसरी है। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट करते हो या फिर इंटरजेक्शन जब आप कोई देते हो, तब उसके पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क कंपलसरी रखना पड़ता है। जैसे कि अलास, दिस इज इंटरजेक्शन वर्ड, अलास के पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगाए। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है, तो हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया और पीछे लगाया एक्सक्लेमेटरी साइन। हाउ सैड आई फील फॉर ऑल दोज पीपल, वापस से दुखी भावना से बता रही है ये सेंटेंस, तो इसके पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगाया गया। वी यूज द एपोस्ट्रॉफी इन द शॉर्ट फॉर्म और टू शो पोजिशन। कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी साइन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पोजिशन बताने के लिए, जैसे कि आरंट, हम आर नॉट वर्ड को शॉर्ट फॉर्म करते हैं, तो हमने आरंट वर्ड का इस्तेमाल किया और ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी साइन यहाँ आ गई। आरंट वी गोइंग टू वीणाज हाउस टूडे, क्या आज हम वीणा के घर नहीं जाने वाले, क्वेश्चन पूछा गया तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। और यहाँ वीणाज हम अगर एस एपोस्ट्रॉफी के बिना रख देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल फॉर्म, लेकिन ये तो नेम है, हमें क्या वीणा के घर, हमें ये पोजीशन बताना है वीणा का घर, इसीलिए हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। सेवेंथ पॉइंट, वी यूज डबल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमा टू मार्क आउट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को मार्क आउट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज रोहन्स हाउस, आस द मैन। देखिए यहाँ हम एक्सरसाइज में देखें तो हमने हर एक जगह पे डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है, तो ये कैसे, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। पहले द टीचर सेड टुमारो इज अ हॉलीडे, डायरेक्ट स्पीच है, टीचर ने कहा, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तब इन्वर्टेड कॉमा ओपन आता है, और जब क्लोज किया जाता है तब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज दिया जाता है, और बीच में आपका सेंटेंस आता है। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच होती है तब कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के बाद ही आपको सेंटेंस लिखना है, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, तब जाके वो आपकी डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाती है। तो बच्चों पंक्चुएशन किसे कहते हैं, वापस एक बार, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन सबको हम पंक्चुएशन कहते हैं। इस पंक्चुएशन के बिना आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो सकता है। हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन। वेयर इज रोहन्स हाउस, आज द मैन, ये सेंटेंस है लेकिन इसमें ना ही कैपिटल लेटर है, ना ही कॉमा है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना इन्वर्टेड कॉमा है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस लिख दिया है, तो ये गलत हो सकता है। अब हम इसे सही करके लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वेयर इज रोहन्स एपोस्ट्रॉफी, रोहन्स हाउस, रोहन का घर, एपोस्ट्रॉफी एस, और ये क्वेश्चन पूछा गया मतलब कि क्वेश्चन मार्क लगाया, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, आस द मैन। सेकंड, व्हाट अ ब्रेव वॉरियर यू आर, सेड अलेक्जेंडर,
वॉट इन्वर्टेड कॉमा ओपन वॉट कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वॉट अ ब्रेव वॉरियर यू आर एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेड अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ए कैपिटल एंड लास्ट फुल स्टॉप सुनील बॉट सम चॉकलेट्स बिस्कुट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सुनील एस कैपिटल बॉट सम चॉकलेट्स कॉमा बिस्किट्स कॉमा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फुल स्टॉप नवी मुंबई इज अ प्लैंड सिटी इजंट इट नवी एंड मुंबई एम कैपिटल एन एंड एम बोथ कैपिटल मुंबई प्रॉपर नाउन सो एम विल बी कैपिटल एंड एन इज ऑल्सो बी कैपिटल बिकॉज इट इज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नवी मुंबई इज अ प्लैंड सिटी कॉमा Isn't it? Apostrophe isn't it? That's question mark. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 27 जो है वो कंप्लीट होता है. आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना. थैंक यू.